लीजिए, आगमन होने जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का। जी हाँ, पोरस की समाप्ति होगी और वहीं से सीरियल एक नई कहानी की ओर बढ़ेगा। तो चलिए आप और चाणक्य की दी हुई शिक्षा का प्रयोग करके चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का राजा बनने की राह पर चल पड़ेगा। हेलो, मेरा नाम है धनानंद और आप सभी का मेरे दरबार में स्वागत है। ट्रेनिंग तो मैंने ऐसे कुछ ली नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरा कि सिद्धार्थ कुमार तिवारी जो प्रोड्यूसर है वो, और जो मेरे फाइट मास्टर है आनंद शेट्टी सर, क्योंकि इसमें फाइट का बहुत ज़्यादा काम है, स्टंट्स एंड ऑल, उन्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ रिहर्सल नहीं ली है पहले से, और ना ही मैं पहले से ये सब सीखा हूँ। मैं तो शनि में ऐसे ही थोड़ा बहुत हॉर्स राइडिंग करता था और अब मैं इतनी तेज़ अपने आप ही चलाने लग जाता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप ही डर निकल गया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो वो सिखाते हैं वो फटाफट मैं कर लेता हूँ। स्वास्तिक जब भी अपनी कोई शोज बनाते हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर में भी रीजंस ज़रूर इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या रीज़न है कि वो कैरेक्टर नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि वो आउट एंड आउट नेगेटिव फॉर नो गुड रीज़न, ऐसा नहीं है। धनानंद और चाणक्य अब तक पोरस में नजर आ रहे थे मगर अब चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में दिखेंगे। ये एक नया प्रयोग है जिसके लिए कलाकार गर्व महसूस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा टीवी इंडस्ट्री में जहाँ तक मैं जानता हूँ पहली बार हो रहा है कि कुछ कैरेक्टर्स का सीमलेस ट्रांजिशन हो रहा है एक शो से दूसरे शो में। तो आपने मेरे कैरेक्टर को अभी तक थोड़े बहुत उसमें हिस्सों में अभी पोरस में देखा, जिसमें चाणक्य का कैरेक्टर, धनानंद का कैरेक्टर और सिल्यूकस का कैरेक्टर अब आपको दिखेगा चंद्रगुप्त मौर्य शो में। ये एक सीमलेस ट्रांजिशन है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से हो रहा है और आई होप आप सबको ये पसंद आए। कैरेक्टर वही रहने वाले हैं, स्टोरी लाइन चेंज हो जाएगी, पोरस से अब ये स्टोरी चंद्रगुप्त मौर्य की हो जाएगी। मैं किसी भी तरह के दर्द लेने के लिए तैयार हूँ, कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अभी भी आई एम हॉपिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर, दिन में 5-5, 6-6 जगह शिफ्टिंग होती है, बट मैं उफ नहीं करता हूँ, ना करूँगा। इस सीरियल में दर्शकों के लिए ढेर सारे सरप्राइज हैं, जिसमें से एक सरप्राइज तो यही मौजूद है, नूरा का ये किरदार जिसे शेफाली शर्मा, जो कभी बानी के नाम से मशहूर थी, वो निभा रही हैं। ड्रेसेस के लिए आई हैव नॉट डन एनी प्रिपरेशन बिकॉज आई एम वेरी लकी, मुझे बहुत सिंपल बहुत एलिगेंट लुक दिया गया है, वो इतना तामझाम ज्वेलरी वो सब मेरे पास नहीं है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लुक। बाकी हिंदी पे आई एम स्टिल वर्किंग बिकॉज वो पंजाबी टच बीच में आता है, तो आई एम स्टिल वर्किंग कि वो ना आए। तब सोनी टीवी पर पोरस की जगह दिखेगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी कहानी वैसे तो कई बार टीवी पर दिख चुकी है मगर स्वस्तिक प्रोडक्शन अपने फ्लेवर के साथ और नए अंदाज के साथ इसे प्रस्तुत करेंगे, जिसे देखने की लोगों को उत्कंठा रहेगी। उमरगाम से निशि मिश्रा के साथ कैमरामैन सादिक शहजादा की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।